हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहितिमान, आप देख रहे हैं रोहितिमान सी चैनल। और आज फिर हम बात करने वाले हैं RAC की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेफ्रिजरेंट केमिकल फॉर्मूला, कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उनसे फॉर्मूला कैसे तैयार करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो डिपेंड करते हैं उसी वीडियो के आधार पर। तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे रेफ्रिजरेंट केमिकल फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नंबर कैसे तैयार करेंगे। मतलब हमारे पास केमिकल फॉर्मूला तो है लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है, इस नंबर को कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ऑप्शन में रेफ्रिजरेंट फॉर्मूले हैं लेकिन हमको नंबर याद नहीं है, तो वो नंबर कैसे निकाले आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके बारे में बात करते हैं रेफ्रिजरेंट फॉर्मूला से न्यूमेरिकल नंबर कैसे निकाले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अलग अलग प्लेलिस्ट है RAC थ्योरी की, अलग RAC क्वेश्चन बैंक देखने उसके लिए अलग है, HVC नॉलेज चाहिए उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। इन सब के लिए सबको अलग अलग खोल के प्लेलिस्ट के अनुसार बांटा गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबको देख सकते हो। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है रेफ्रिजरेंट केमिकल फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड वीडियो। तो सबसे पहले तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, हमको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूले से नंबर फाउंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमारा फॉर्मूला रहेगा, अब यहां पे जैसे एक्स है, एक्स यहां पे क्या होता है, कार्बन होता है, वाई हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और जेड हमारा फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, x माइनस वन वाई प्लस वन एट जेड। ठीक है, अब मान लो हमने सबसे पहले ये चीज उठाई, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, CCl3F। अब हमें कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से इसमें वैल्यू दी गई वैसे करेंगे। अब इसके अंदर ये क्या है, कार्बन है, मतलब एक यहां पे कार्बन है Cl3, इसको भूल जाओ। अब हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो जीरो। फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन की मात्रा एक है, तो यहां पे कितना बचा, जीरो, जीरो प्लस वन वन और वन, आर जीरो ग्यारह। मतलब सिंपल सा हमको फॉर्मूला पुट करना है वैल्यू हमारे सामने, मतलब CCl3F फॉर्मूला था, इसका न्यूमेरिकल नंबर क्या है, R011। कैसे आया, सबसे पहले कार्बन, कार्बन की मात्रा इसके अंदर कितनी है, एक है, फॉर्मूला क्या है, x माइनस वन, तो एक माइनस एक किया क्या आया, जीरो। Cl3 क्लोरीन, कार्बन रेफ्रिजरेंट के हमेशा मिक्सअप होता है क्लोरीन, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्लोरीन नहीं है, हमने क्लोरीन नहीं लिखा। इसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमने एक लिख दिया, हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन यहाँ पे वाई क्या है, जीरो प्लस वन, तो वन एंड वन, तो हमारा जो नंबर है क्या है, R011। चलिए एक और ट्राई करते हैं, हम फॉर्मूला यही रहने देंगे, फॉर्मूला हमारा यही चलेगा। चलिए हम आगे कोई और ट्राई करते हैं, जैसे मान लो हमारा ये है CH Cl2F। अब यहां पे देखो ये C क्या है हमारा, कार्बन है, एक माइनस एक। एच क्या हमारा, एच हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक है। क्लोरीन टू, फिर इसको भूल जाओ, बाद में क्या बचा, फ्लोरीन, फ्लोरीन की मात्रा कितनी है, एक है, तो वन माइनस वन जीरो, एक और एक दो, फ्लोरीन जीरो क्या, R021। R021 का फॉर्मूला क्या था, CHCl2F। इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को नंबर से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब नंबर से फॉर्मूला बनाना पहले सीखा, अभी फॉर्मूले से नंबर कैसे बनाएं। दोनों फॉर्मूले अलग है, ट्रिक बहुत इजी है, कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल चाहिए और देख लेते हैं, लेकिन याद रखना दोनों फॉर्मूले अलग है, दोनों को आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज है, R134 से एक दो फॉर्मूले होते हैं,
होता एक ही है लेकिन कई बार इसको क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं। मतलब जैसे मान लो ये हमारा है, ये हमारा होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें जनरली देखें, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो कार्बन की मात्रा कितनी है? दो है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। फ्लोरीन एक ये है और तीन ये है, तो कितने फ्लोरीन होंगे? चार, ठीक है। तो नीचे फॉर्मूला ये तो है C2H2F4। मतलब इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला हो आप उसको पुट कर लो C2H2F4। अब कार्बन की वैल्यू कितनी है? दो है, तो दो माइनस एक। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? दो है, तो दो प्लस एक। फ्लोरीन कितने हैं? चार है, तो दो में से एक लिया एक, दो और एक तीन, और फ्लोरीन चार। क्या बना? R134 है। तो R134 का फॉर्मूला क्या था? C2H2F4 या CF3CH2F। तो इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। अगर अभी भी आपके आपको इसको लेके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के उसमें भी आप पूछ सकते हो। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ऐसी मजेदार वीडियो और एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से हल कर सकें। क्योंकि ये जो रेजिडेंट का चैप्टर है इसके अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत से आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि फॉर्मूले कैसे आते हैं, फॉर्मूले का नंबर क्या है, तो इन सब को क्रैक कैसे करें, इसके लिए वीडियो बनाई जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।